चैप्टर 18 स्टार्ट कर दिया था हमने, 18 बी एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे। देखिए अब इसमें क्या निकालना है, हमें दे रखा है कि दो रेखाओं के बीच का अनुपात, मतलब क्या रेशियो दे रखे हैं हमको, किस फॉर्म में दे रखे हैं, 1:3 के फॉर्म में, 1:2 और 3 के फॉर्म में दे रखे हैं। सेकंड दे रखा है 2:4, 2:4-6, ये दो रेशियो दे रखे हैं और हमें बोल रखा है यहाँ कि इनके बीच का एंगल निकाल के बताइए, कोण ज्ञात करके बताइए, जब ये क्या हो न्यून कोण, तो क्या होगा एक बार ध्यान से देखिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन निकले। A1=1, B1=2 और C1=-3, A2=2, B2=-4 और C2=6, ये हो गए वैल्यूज। अब फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट में A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। ठीक है, आप देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे, 1:2 2:-4-3:6, A1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, B1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, C1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, A2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, B2 का 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है और C2 का स्क्वायर मतलब 36। ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू 2 + 2, 4 × 2 = 8 और 6 × 3 = क्या हो जाएगा 18 अपॉन में अंडर रूट 40 और दूसरे अंडर रूट में 40 56, ये हो गया। अब इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे और क्या करेंगे सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए कितना बाहर आएगा इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए अब यहां पे ध्यान से देखिए, cos थीटा इक्वल्स टू 18 और 8 माइनस माइनस प्लस, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 में से 2 चला जाएगा तो माइनस का 24, ये 14 को ऐसा ही रहने देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2√14, इसको 56 को कैसे लिखा था वो देख लीजिए, 2 × 4 एक कैरी गया, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4 क्या बचा 14, अब 14 को मैंने एज इज छोड़ दिया, जिसकी पेयर बन गई थी बाहर निकाल दिया, आप देखिए 2 × 2 2 × 2 2 × 4 क्या आ गया cos थीटा इक्वल्स टू -12 अपॉन में 14 का 14 को होगा 40, 2 × 6 = 12 2 × 7 = 14, तो cos थीटा इक्वल्स टू -6/7 या थीटा इक्वल्स टू cos इक्वल्स 6 अपॉन में 7, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन डिपेंडेंट हैं, इस पे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। सारे क्वेश्चन इस टाइप के ही हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जस्ट लाइक ऐसा ही है, थर्ड वाला भी ऐसा ही है, इसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, है ना। थर्ड वाले में सबसे पहले क्या करेंगे, एबी और एसी के निकालेंगे, है ना, इसमें 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आप देखेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन में, तो एक 3 कोऑर्डिनेट वाला बता देता हूं मैं कैसे करेंगे, है ना, क्वेश्चन बना के बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फॉर्मूला यही लगेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे आप, एबीसी के एंगल ए की कोजाइन की गणना कीजिए जबकि हमने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए के क्या दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 - 1 और 2। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 6 11 2 है, 6 11 और 2 और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 1 2 3।
6 माइनस 1 क्या होता है रेशियो मैंने बताया था आपको निकालना कैसे निकालते हैं x2 माइनस x1 करके तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 एक बार बता देता हूं y2 माइनस y1 और क्या होता है z2 माइनस z1 ये रेशियो निकालते हैं ऐसे तो क्या हो जाएगा ab का निकाल रहे हैं तो 6 माइनस 1 11 प्लस 1 और क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 5 12 और 0 ये आ गया ab का अब AC किसके रेशियो निकाल लेंगे AC के तो AC के लिए यही फॉर्मूला x2 minus x1 y2 minus y1 कॉमा z2 minus z1 AC के बीच में निकालते हैं अब B वाला हाइट है तो 1 minus 1 2 plus 1 और 6 minus 2 तो क्या हो जाएगा 0 3 6 में से 2 गया 4 ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए अब हमारे पास सारे फॉर्मूले हो गए देखिए a1 की वैल्यू हो गई 5 b1 की वैल्यू हो गई 12 और c1 की वैल्यू हो गई 0 a2 की वैल्यू हो गई 0 b2 की वैल्यू हो गई 3 और c2 की वैल्यू हो गई 4 ये हमारे पास cos थीटा इक्वल्स टू फार्मूला होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर अभी लिखवाया था मैंने a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और प्लस c2 का स्क्वायर ये फार्मूला आता है इस फार्मूले में रख देंगे पहले cos थीटा इक्वल्स टू 5 into 0 12 into 3 0 into 4 a1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 144 0 का 0 ही होगा दूसरे अंडर रूट में 0 का स्क्वायर 0 3 का 9 4 का 16 तो cos थीटा इक्वल्स टू ये तो पूरा 0 हो गया ये भी 0 हो गया 12 3 का 36 144 और 125 कितना हो जाएगा 169 और इधर हो जाएगा 25 क्या बचेगा 36 169 13 होता है और 5 का क्या होता है 25 का 5 होता है तो cos थीटा इक्वल्स टू 36 अपॉन में 65 तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 36 अपॉन में 65 ये आ गया हमारे आंसर थर्ड वाला भी हमने कर लिया ठीक है ऐसे ही फोर्थ वाला है फोर्थ वाले में भी क्या है सबसे पहले क्या निकालेंगे आप देखिए फोर्थ वाले में बता देता हूं आपको क्या-क्या निकालना पड़ेगा फोर्थ वाले में सबसे पहले ab निकालेंगे इधर वाला आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा ठीक है सबसे पहले क्या निकालेंगे AB देखिए फोर्थ वाले में मैं बता देता हूं उसमें तीन बार फार्मूला लगेगा क्योंकि हर एंगल के लिए बोला है किसके किसके लिए तो ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल है फोर्थ वाले क्वेश्चन में ए बी सी अच्छा क्वेश्चन है बड़ा इसलिए बता रहा हूं क्या हो जाएगा फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें तीनों के लिए निकालना है हमें ए बी सी के लिए तो सबसे पहले अगर a के लिए निकालते हैं तो क्या निकालूंगा मैं ab के रेशियो निकालना फिर a से क्या है c के और इसके बीच क्या लगाना cos मतलब थीटा का फार्मूला ठीक है यही वाला फार्मूला लगेगा अब एक बार b एंगल के लिए निकालूंगा तो क्या निकालूंगा ba निकालूंगा और फिर क्या निकालूंगा bc निकालूंगा और फिर से किसका फार्मूला cos b का फार्मूला मतलब बस थीटा की जगह ab होता जाना ठीक है नेक्स्ट ये हो गया हमारा फिर सी के लिए निकालूंगा तो क्या निकालूंगा सी ए निकालूंगा सी बी निकालूंगा और फिर कॉस सी का फॉर्मूला तो ये बन जाएगा ये तीन बार लगेंगे एक दो और ये तीन ठीक है सबसे पहले ए बी के रेशियो निकालना फिर ए सी के और इस फॉर्मूले में पुट कर देना फॉर्मूला वही है ठीक है बस थीटा की जगह ए हो जाएगा फिर बी ए के रेशियो निकालना फिर बी सी के रेशियो निकालना है ना बी ए मतलब पहले बी की वैल्यू रखना फिर ए की फिर उसमें से एक्स टू माइनस एक्स वन करके ऐसे रेशियो निकालिएगा ठीक है फिर उसके बाद इस फॉर्मूले में रखना ऐसे ही थर्ड वाले में भी आपको रखना है ठीक है फिफ्थ वाला क्वेश्चन अब चेंज है तो फिफ्थ वाले से बता देता हूँ सर ठीक है अब इसमें फिफ्थ वाले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर के ऊपर बात करेंगे ठीक है परपेंडिकुलर तभी होता है आपको पता है कि जब क्या होगा वो जीरो होगा ठीक है देखते हैं जीरो का क्वेश्चन है कि हमें तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और तीनों क्या है आपस में
लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। देख लेते हैं कि तीनों आपस में है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट दे रखा है फाइव वाले का 1, 2, 3, दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है हमको 1, -2, 1, और तीसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है हमको 4, 1, -2, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों के बीच देख लेते हैं कि ये दोनों परस्पर है कि नहीं। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, और ये हो गई हमारी थर्ड लाइन। तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड लाइन के बीच देखते हैं परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है। a1 a2 b1 b2 plus c1 c2 = 0। तो देखते हैं 1 into 1 2 into -2 3 into 1, 1 2 2 4 और 3, क्या हो गया ये 0 हो गया, मतलब परपेंडिकुलर कंडीशन है। फिर सेकंड एंड थर्ड लाइन के बीच देखते हैं परपेंडिकुलर की, यही फॉर्मूला a1 a2 b1 b2 c1 c2। देखिए ये अब हो जाएगा 1 into 4 -2 into 1 और then 1 into -2 4 -2 -2, ये भी 0 हो गया, मतलब ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आपको 9-10 तक के क्वेश्चन अब ऐसे सिमिलर मिलेंगे जो आपको करके लाना है। अगर कुछ प्रॉब्लम लगी तो आप लोग पूछ लेंगे। थैंक यू। कल 10 के बाद हम करेंगे, या 10 वाले अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।